राजीव कपूर के इस दुनिया को अलविदा कहते ही उनकी आखिरी इच्छा भी अधूरी रह गई। वो आखिरी इच्छा जिसे देखने के लिए अब राजीव हमारे बीच नहीं है। जी हाँ, राजीव कपूर की लास्ट विश अधूरी रह जाने से एक्टर संजय दत्त भी बेहद इमोशनल हो गए और फूट फूट कर रोए। दरअसल 30 साल बाद राजीव कपूर अपने करियर की नई इनिंग्स शुरू करने वाले थे। 30 साल बाद राजीव एक्टिंग की दुनिया में वापसी करने वाले थे, लेकिन किस्मत तो देखिए, जिस फिल्म से राजीव ने 30 साल बाद कमबैक किया, अब उस फिल्म को खुद राजीव कभी नहीं देख पाएंगे। आपको बता दें कि राजीव आशुतोष गवारीकर की फिल्म तुलसीदास जूनियर से एक्टिंग की दुनिया में लौट रहे थे, मगर अब यही उनकी आखिरी फिल्म बनकर रह गई। तुलसीदास जूनियर के बारे में आशुतोष ने पिछले साल दिसंबर में ट्वीट कर इन्फॉर्म किया था। इस फिल्म में राजीव के अलावा संजय दत्त और चाइल्ड आर्टिस्ट वरुण बुद्धा देव भी नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि आशुतोष ने राजीव कपूर की डिमाइस की न्यूज सुनते ही उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए ट्विटर पर ट्वीट किया था। Saddened to hear about the passing of Rajiv Kapoor. I was a fan from his Ram Teri Ganga Maili days. We had wrapped shoot for my home production Tulsidas Jr. directed by Bridul. Rajiv was so affable and played his part with much fun and ease. Will miss him deeply. वहीं संजय दत्त ने भी राजीव को याद करते हुए ट्वीट किया। Absolutely heartbroken to hear about the demise of Rajiv Kapoor. A soul gone too soon. My thoughts and prayers are with the Kapoor family in this difficult time. Om Shanti. आपको बता दें कि बतौर एक्टर राजीव कपूर आखिरी बार 1990 में आई जिम्मेदार फिल्म में नजर आए थे। इसके बाद वो फिल्म प्रोडक्शन करने लगे। ऋषि कपूर की डायरेक्टोरियल फिल्म आ अब लौट चले और रणधीर कपूर की डायरेक्टोरियल फिल्म हीना में उन्होंने प्रोडक्शन किया था। आपको बता दें कि आशुतोष गवारीकर की वाइफ सुनीता गवारीकर, जो फिल्म तुलसीदास जूनियर की को प्रोड्यूसर भी हैं, उन्होंने बताया कि राजीव ने इस फिल्म की शूटिंग और डबिंग पूरी कर ली थी और डबिंग के दौरान उन्होंने फिल्म भी देख ली थी। ई टाइम से बात करते हुए सुनीता ने बताया, वी आर स्टिल ऑफ कोर्स एमिंग फॉर अ थिएट्रिकल रिलीज बट वी विल मिस हिम एट एवरी पॉइंट हियर आफ्टर। इन फैक्ट ही वाज सपोज्ड टू टॉक टू द मीडिया एट लेंथ इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। We had fixed up his interviews for Sunday, February 14. We had also discussed it with him and he also was looking forward to a nice round of questions. He had completed the film, dubbed for it and even watched it. जाहिर है कि राजीव अब ये कभी नहीं देख पाएंगे कि 30 साल के कमबैक के बाद जनता उन्हें स्क्रीन पर कितना प्यार देती। वो ये कभी नहीं देख पाएंगे कि 30 साल बाद उनकी कोई फिल्म थिएटर में होगी। अब राजीव की ये आखिरी इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाएगी। अपनी फिल्म के लिए राजीव बहुत एक्साइटेड थे, मगर भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था कि जिस फिल्म से वो अपने करियर की नई शुरुआत करने वाले थे, अब वही फिल्म उनके करियर की आखिरी फिल्म बनकर रह गई।